गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका मोरल का टर्न है, तो आप फटाफट से जाइए और मोरल की बुक निकाल लीजिए। सबने निकाल ली? आप मोरल में पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 9, चैप्टर 2, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो मैंने कल आपको होमवर्क में चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस फिल करने की दी थी। आई होप आप सभी बच्चों ने एक्सरसाइजेस फिल कर ली होंगी। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव मीन्स किसी को माफ़ करना एंड और फॉरगेट और भूल जाना। और तो हम अपनी स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ टाउन देयर लिव्ड टू ब्रदर्स, बंटी एंड मोहित। बंटी वॉज वेरी मिशीवस बट मोहित वॉज वेरी सिंसियर एंड ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑल्सो। बंटी यूज टू अनॉय मोहित एंड केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स डैट मेड मोहित फील बैड। वंस ही टुक हिज रेडियो आउटसाइड एंड मिसप्लेस्ड इट विलिंगली। ही यूज टू ईट द कुकीज दैट मोहित वॉन्टेड टू हैव फॉर स्नैक। क्या है स्टोरी? वंस इन अ टाउन, एक बार की बात है। इन अ टाउन, एक शहर में। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स बंटी एंड मोहित। तो एक बार की बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे। क्या नाम थे उन भाई के? बंटी और मोहित। उन दोनों भाइयों का नाम क्या था? बंटी और मोहित। बंटी वॉज वेरी मिशीवस बट मोहित वॉज वेरी सिंसियर। बंटी कैसा था? बहुत शरारती था। कैसा था? बहुत शरारती। बट लेकिन मोहित वॉज वेरी सिंसियर, लेकिन मोहित बहुत सिंसियर था। बंटी कैसा था? शरारती और मोहित सिंसियर था। बंटी बहुत शरारती था और मोहित बहुत ईमानदार था, ईमानदार सच्चा था। एंड और ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑल्सो। और जो मोहित था वो बड़ा भाई भी था। मीन्स बंटी छोटा भाई था और शरारती था, और मोहित बड़ा भाई था और ईमानदार था। बंटी यूज टू अनॉय मोहित। बंटी यूज टू के सेंटेंसेस मैंने आपको ट्रांसलेशन में पढ़ने सिखाए हैं ना, कि इनकी हिंदी कैसे बनती है। यूज टू अनॉय मीन्स सताया करता था। तो बंटी मोहित को सताया करता था, परेशान किया करता था। एंड और केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स, और उन चीज़ों को करता था दैट जो मेड मोहित फील बैड। और मोहित क्या, बंटी क्या करता था? उन चीज़ों को करता था जिससे मोहित बहुत क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था, और जो मोहित को बुरी लगती थी उन्हीं चीज़ों को वो बार बार मोहित के सामने किया करता था। कौन किया करता था? बंटी, छोटा भाई। वंस ही टुक हिज रेडियो आउटसाइड एंड मिसप्लेस्ड इट विलिंगली। वंस, एक बार ही टुक हिज रेडियो, वह उसके रेडियो को बाहर ले गया। एंड और मिसप्लेस्ड इट विलिंगली, और क्या किया उसने? उसको गलत तरीके से वहाँ पर रख दिया। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से वो उसका रेडियो बाहर ले गया और उसको गलत तरीके से रख दिया या गलत जगह पर रख दिया। ही यूज़ टू ईट द कुकीज़ दैट मोहित वॉन्टेड टू हैव फॉर स्नैक। ही यूज़ टू ईट द कुकीज़, वह उसकी कुकीज़ को खाया करता था दैट जो मोहित वॉन्टेड टू हैव फॉर स्नैक। जो मोहित स्नैक के लिए अपनी कुकीज़ रखता था, बंटी क्या करता था? उस कुकीज़ को मोहित को बिना बताए उन कुकीज़ को खा जाता था। ही यूज टू चेंज द टीवी चैनल इन द मिडल ऑफ अ शो। ही यूज टू चेंज मीन्स वह बदल दिया करता था द टीवी चैनल, टीवी के चैनल को, इन द मिडल ऑफ अ शो। जैसे टीवी पे कोई भी शो चल रहा है और मोहित उस टीवी के शो को देख रहा है, तो बंटी क्या करता था? आता था और उस टीवी के चैनल को बदल देता था। एंड और वन डे ही इवन ड्रैग्ड अ वैगन फुल ऑफ डर्ट राइट ओवर मोहित टो। वन डे, एक दिन क्या किया उसने? ही इवन ड्रैग्ड कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट। ही इवन ड्रैग्ड मीन्स वह भी खींच लाया। ड्रैग मतलब किसी चीज़ को खींच लाना। अ वैगन फुल ऑफ डर्ट,
राइट ओवर मोहित टू। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये कौन है, मोहित और ये बंटी। यहाँ मोहित खड़ा हुआ था और वो उसके पैर के ऊपर से गंदगी से भरा हुआ जो ये वैगन है उसको उसके पैर से खींच लाया, उसके पैर के ऊपर से खींच लाया। देन मोहित बिकेम वेरी एंग्री विद हिज लिटिल ब्रदर बंटी। देन फिर मोहित हो गया वेरी एंग्री बहुत गुस्सा विद हिज लिटिल ब्रदर अपने छोटे भाई से बंटी। मोहित अपने छोटे भाई बंटी से बहुत गुस्सा हो गया एंड और रिजॉल्व्ड नॉट टू टॉक टू हिम अगेन। और उसने ठाना नॉट टू टॉक टू हिम अगेन कि वह अब उससे दोबारा बात नहीं करेगा, कि अब आज के बाद वो उससे दोबारा बात नहीं करेगा। एवरी टाइम हर बार हिज ब्रदर उसका भाई बंटी केम हॉपिंग टू हिम मीन्स उसके पास फुदक फुदक कर आया करता था। हर बार क्या होता था, मोहित ने तो क्या ठान लिया था कि वह उससे बात नहीं करेगा, तो बंटी ही बार बार उसके पास आया करता था। मोहित आस्क्ड हिम टू गो अवे, तो मोहित उससे क्या कह देता था, उससे दूर जाने के लिए कह देता था। तो क्या हुआ था, बंटी मोहित के पास खेलने के लिए आया कि मेरे साथ खेलो, लेकिन वो उससे क्या, उसने क्या कह दिया उससे, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। बंटी ने कहा दैट ही वॉज सॉरी बट स्टिल मोहित कैप द सेम एटीट्यूड। बंटी ने मोहित से सॉरी भी कहा, बंटी ने मोहित से माफ़ी भी मांगी, लेकिन मोहित का वही रवैया रहा, वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, और वो उससे बात नहीं कर रहा था। बंटी ट्राइड हार्ड टू मेक अमेंड्स टू परसुएट मोहित टू प्ले विद हिम बट मोहित सेड आई एम एंग्री विद यू एंड डोंट कम टू मी अगेन। मोहित ने बहुत कोशिश की टू मेक अमेंड्स टू परसुएट मोहित टू प्ले। बंटी ने मोहित को मनाने की बहुत कोशिश की, मोहित को राजी करने के लिए बहुत कोशिश की, मोहित टू प्ले, मोहित को खेलने के लिए उसको राजी करने के लिए बहुत कोशिश की। बट लेकिन मोहित सेड, मोहित ने कहा आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ एंड डोंट कम टू मी अगेन, और मेरे पास दोबारा मत आना। मोहित ने गुस्से में बंटी से क्या कह दिया कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अब तुम मेरे पास खेलने मत आना, क्योंकि तुम क्या करते हो, मुझे बस परेशान करते रहते हो, कभी मेरे पैर के ऊपर तुमने गंदगी का पूरी गाड़ी चला दी, कभी कुछ करते हो, कभी तुम मेरी कुकीज़ खा जाते हो, इसलिए मैं तुमसे अब बात नहीं करूँगा। और उसने ये भी कहा कि अब तुम मेरे पास दोबारा मत आना। फाइनली बंटी गेव अप। देन फिर फाइनली अंत में आखिर में बंटी गेव अप, बंटी ने छोड़ दिया, मतलब अब उसने मोहित को मनाना छोड़ दिया। ही वेंट आउटसाइड टू प्ले अलोन, वह बाहर अकेले खेलने के लिए चला गया। एंड और मोहित वॉच्ड हिम फ्रॉम द विंडो प्लेइंग ऑन हिज ओन। मोहित क्या कर रहा था, खिड़की से विंडो से उसको खेलते हुए देख रहा था। बंटी किक्ड अ बॉल अराउंड द यार्ड लुकिंग वेरी सैड। बंटी ने क्या किया, बंटी क्या कर रहा था, उसने वो बाहर जाके खेलने लगा था, बंटी बाहर जाके खेलने लगा था ना, तो जो बाहर यार्ड था, जो मैदान था, वहाँ पर वो बॉल को किक कर रहा था और कैसा लग रहा था, दुखी, मतलब दुखी मन से वो खेल रहा था, क्योंकि उसके साथ मोहित खेल नहीं रहा था, तो वो दुखी मन से बाहर खेल रहा था। देन मोहित थॉट, फिर मोहित ने सोचा वॉट एवर बंटी हैज़ डन इज रियली बैड। बंटी ने जो भी किया वह वास्तव में बुरा है, मतलब वह वास्तव में गलत है, बंटी ने मेरे साथ गलत किया है। बट लेकिन He did say sorry to me, लेकिन उसने मुझसे sorry भी कहा। Why I have not pardoned him, मैंने उसे माफ़ क्यों नहीं किया।
मोहित अपने आप से कह रहा है कि बंटी ने गलत किया, लेकिन बंटी ने मुझसे सॉरी भी तो कहा और उसने मुझे इतना मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं तो माना ही नहीं और मैंने उसे माफ़ किया ही नहीं। दिस अफेक्टेड द वे द ब्रदर्स लिव्ड। इसने उन दोनों भाई के रहने के तरीके को प्रभावित किया, मतलब जिस तरीके से वो पहले रहा करते थे अब वैसे वो नहीं रहते थे। अब दोनों एक दूसरे से बोलते ही नहीं हैं, बातें ही नहीं करते, क्योंकि मोहित क्या था, बंटी से गुस्सा था। और फिर बंटी ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मोहित माना नहीं तो वो बाहर अकेले खेलने चला गया। दे बोथ बिकेम क्वाइट अनहैप्पी। वो दोनों थोड़े से दुखी हो गए। एंड दे बोथ वर ऑल अलोन। और दोनों ही कैसे थे, अकेले, क्योंकि दोनों अलग अलग खेल रहे थे। मोहित बंटी से नाराज़ था और बंटी ने मोहित को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहित माना नहीं और वह बाहर अकेले खेलने चला गया। मोहित रियलाइज्ड दैट हाउ रॉन्ग ही वॉज टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन। मोहित को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसका दिल कैसा है, पत्थर का दिल है, उसके पास पत्थर का दिल है। उसने ऐसा एहसास किया, ऐसा महसूस किया। ही स्टार्टेड फीलिंग सॉरी फॉर द थिंग्स दैट ही हैड डन। फिर वो उन सारी चीज़ों के लिए क्या फील करने लगा, सॉरी फील करने लगा। उसको बहुत दुख होने लगा कि उसने बंटी ने उसके साथ गलत किया, लेकिन बंटी ने सॉरी भी तो कहा, उससे माफ़ी भी तो मांगी। और अगर माफ़ी भी मांगी, अब मोहित क्या हुआ, बंटी से नाराज़ हो गया। जब मोहित बंटी से नाराज़ हुआ तो दोनों भाइयों की क्या हुई, दोस्ती टूट गई। दोनों भाई बिल्कुल अकेले हो गए और दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खेलते भी नहीं थे। तो मोहित को रियलाइज़ हो गया कि वह बहुत गलत था और उसके पास कैसा दिल है, पत्थर का दिल है। और उसने जो भी चीज़ें की उसके लिए वो सॉरी फील करने लगा, बहुत दुख होने लगा कि मैंने ये सब बंटी के साथ क्यों किया। बंटी जब मुझे मना रहा था तो मुझे मान लेना चाहिए था। अब उसने मुझसे सॉरी भी तो कहा, उसने मुझे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं तो माना ही नहीं। मेरे पास कैसा दिल है, पत्थर का दिल है। मेरे पास हार्ट कैसा है, पत्थर का। आगे क्या है, ही वॉन्टेड टू प्ले विद हिज यंगर ब्रदर एंड थॉट टू फॉरगिव हिम एंड वॉन्डर्ड वेदर हिज ब्रदर फॉरगिव हिम फॉर हिज रूड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, ही वॉन्टेड टू प्ले विद हिज यंगर ब्रदर मीन्स कौन, मोहित बंटी के साथ खेलना चाहता था। एंड थॉट, और उसने सोचा, टू फॉरगिव हिम, उसे माफ़ करने के लिए। मोहित ने क्या सोचा कि मैं बंटी को अब माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि बंटी मुझसे बार बार सॉरी भी बोल चुका है, इसलिए अब मुझे अपना गुस्सा थूक देना चाहिए और उसको माफ़ कर देना चाहिए। एंड वॉन्डर्ड वेदर हिज ब्रदर वुड फॉरगिव हिम फॉर हिज गुड बिहेवियर। और वो क्या सोचने लगा, मोहित ये सोचने लगा कि आखिर जो उसका छोटा भाई है वो उसे उसके इस व्यवहार के लिए माफ़ करेगा भी या नहीं, उसके ऐसे बिहेवियर के लिए जो उसने उसके साथ बहुत बेकार बिहेवियर किया, बेकार व्यवहार के लिए क्या वो उसको माफ़ करेगा। तो वो मोहित सोचने लगा। इसलिए मोहित वेंट आउटसाइड एंड फाउंड बंटी प्लेइंग अंडर अ ट्री। ही सेड, आई एम सॉरी बंटी, प्लीज फॉरगिव मी। Then Bunty said, "Forgive you? I thought that you were angry with me." So Mohit, तो क्या हुआ? फिर मोहित, इसलिए मोहित बाहर गया और उसने बंटी को एक पेड़ के नीचे खेलते हुए देखा। उसने फिर उससे क्या कहा? मोहित ने बंटी से कहा, "Bunty, I am sorry. बंटी, मुझे माफ कर दो. Please forgive me. बंटी, मुझे please माफ़ कर दो." तो बंटी ने क्या बोला कि फॉरगिव यू मीन्स, बंटी ने बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे, मैंने सोचा कि तुम मुझसे क्या हो, गुस्सा हो, तुम मुझसे गुस्सा हो तो माफ़ी तो किसको मांगनी चाहिए, मुझे मांगनी चाहिए ना, इसलिए बंटी
और मोहित भी मान गया कि हाँ अब मुझे बंटी के साथ और लड़ाई और उस गुस्सा नहीं होना चाहिए, बंटी के साथ मुझे और गुस्से में नहीं होना चाहिए, मुझे उसको माफ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से बंटी और मोहित में बात हुई। आगे पढ़ते हैं, दे बोथ फॉरगेव ईच अदर। उन दोनों ने, इन दोनों ने, मोहित और बंटी ने एक दूसरे को माफ कर दिया। दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर। उन दोनों ने आपस एक दूसरे को गले लगाया। टीयर्स वर रोलिंग डाउन फ्रॉम देयर आइज। उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। इट वॉज सच अ साइट टू सी। ये एक देखने लायक नज़ारा था, मतलब जो वहाँ हो रहा था वो एक देखने लायक नज़ारा था। दे किक्ड द बॉल टुगेदर एंड हैड फन आउट इन द यार्ड। उन दोनों ने बॉल को किक की, लात मारी बॉल को, और दोनों यार्ड में मस्ती करने लगे। अब बंटी, मोहित बंटी से नाराज नहीं था, तो दोनों क्या कहाँ पर यार्ड में मस्ती करने लगे और एक साथ खेलने लगे। दे रियलाइज दैट इट इज़ नॉट गुड टू होल्ड अ ग्रज और पुश अदर्स अवे। उनने महसूस कर लिया, उन्हें रियलाइज़ कर लिया कि किसी को पीछे हटाना या किसी को पीछे ढकेलना अच्छी बात नहीं है। जैसे मोहित ने क्या किया, बंटी को क्या किया, अलग कर दिया ना अपने आप से, बंटी को अपने आप से दूर रखा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स बेस्ट टू पुट द पास्ट बिहाइंड एंड मेक अ बेटर टुडे। इससे बढ़िया तो ये है कि हम पास्ट को पीछे कर दें और अपना आगे जो हमारा आज है उसको अच्छा बनाएं। जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चे पास्ट की लड़ाई को, पिछली जो उनसे लड़ाई हुई है उसको लेकर क्या होते हैं, बैठे रहते हैं कि उसने मुझसे पहले लड़ाई की थी, मैं उससे अब बात नहीं करूँगा। इससे बढ़िया तो यह है कि हम पास्ट को पीछे ही रख दें, पास्ट है पास्ट बनकर रहो, और अपने जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम क्यों ख़राब करें, प्रेजेंट को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। बट लेकिन देन बंटी किक्ड द बॉल एंड इट हिट मोहित्स हेड। फिर क्या हुआ, बंटी ने बॉल किक की और वो कहाँ छाके लग गई, मोहित के हेड पे। अब बंटी क्या हो गया, डर गया कि कहीं ये मुझसे फिर नाराज ना हो जाए। बंटी थॉट ही वुड बी एंग्री अगेन हैज मोहित फेस वॉज टर्निंग रेड। मोहित का जो फेस था वो क्या हो रहा था, पूरा लाल पड़ रहा था। तो बंटी ने क्या किया, बंटी ने क्या सोचा उसके फेस को देखकर कि अब तो ये मुझसे दोबारा नाराज हो जाएगा, दोबारा एंग्री हो जाएगा। देन बंटी सेड आई एम सॉरी एंड मोहित सेड दैट्स ओके जिया। बंटी ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मोहित ने रिप्लाई में किया क्या, दैट्स ओके डियर, कोई बात नहीं, आई एम नॉट एग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। टुडे आज आई हैव रियलाइज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आज मैंने माफ़ी की शक्ति को महसूस किया है। मतलब मोहित अगर बंटी को माफ़ नहीं करता तो दोनों अलग अलग हो जाते, एक साथ खेल ही नहीं पाते, वो मोहित अलग रहता और बंटी अलग रहता। तो अगर मोहित बंटी को माफ़ नहीं करता तो दोनों कैसे रहते, अलग अलग रहते और बिल्कुल अकेला अकेला फील करते। लेकिन मोहित ने बंटी को बाद में माफ़ किया। तो हमें चीज़ों को भूल कर लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, ये नहीं कि हम पास्ट की बातों को लेकर बैठे रहे कि उसने मुझसे ये कहा था मैं उससे बोलूँगा नहीं, तो क्या रहेंगे आप, लाइफ में अकेले रह जाएंगे। इसलिए माफ़ करना सीखिए और चीज़ों को भूलना सीखिए। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाए बिल्कुल कि हाँ ये तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल उसने मुझसे ऐसा कहा था मैं इसको भूलूंगा नहीं। नहीं, कुछ चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए और कुछ चीज़ें जो, हाँ बंटी ने जानबूझ के तो कुछ कर नहीं रहा था ना बंटी, इसलिए उसने मोहित को उसको माफ़ कर देना चाहिए था ना। इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमें कुछ बातें भूल जानी चाहिए और माफ़ कर देनी चाहिए। तो क्या सीखा है इस कहानी से हमने, इस कहानी का मोरल क्या है, फॉरगिवनेस इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू। फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी इज़ द हाईएस्ट, सबसे बड़ा वर्च्यू मीन्स होता है गुड क्वालिटी। तो किसी को माफ़ कर देना, किसी को
ये नहीं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, ऐसा नेचर हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा नेचर क्या होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, माफ़ कर देना। तो इस लेसन से हमने सीखा, इस चैप्टर से हमने सीखा कि माफ़ी सबसे बड़ा गुण होता है। किसी को माफ़ कर देना, कुछ बातों को भूल जाना बहुत अच्छी बात होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को आज पूरा रीड करना है और इसकी अच्छे से हिंदी समझनी है। ओके।